फार्मा इंडिया प्रेजेंट्स ब्रांड एजुकेशन फेरो कॉल। फेरो कॉल इज ए नेचुरल हर्बल टॉनिक। कंपोजिशन सरेका एसोका 100 mg, विदानिया सोमनीफेरा 50 mg, डेस्मोल 50 mg, सिंप्लोकस रेसिमोसस 20 mg, लेप्टोडेनिया रेटिकुलेटा 20 mg, इन्यूला रेसिमोस 20 mg, एस्परागस रेसिमोसस 20 mg, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया 20 mg, क्रोकस सटाइवस 5 mg, प्योर मुक्त सुक्ति भस्म 50 mg, प्योर लव भस्म 50 mg। माय डियर फ्रेंड, हमने यहां पर देखा कि फेरो कॉल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं। माय डियर फ्रेंड, हम यहां पर देखेंगे कि ये जो हर्ब्स फेरो कॉल में हैं, इनका क्या क्या रोल है। सबसे पहले हम बात करेंगे सरेका एसोका की। एसोका मीन्स रिमूवर ऑफ सारो इन संस्कृत। संस्कृत में हम एसोका को रिमूवर ऑफ सारो के नाम से भी जानते हैं। इट हैज सेवरल ट्रेडिशनल यूजेस दैट सपोर्ट हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वोमेन। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कॉजेस एज ए रिजल्ट ऑफ ल्यूकोरिया, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स एंड अदर रिलेटेड डिसीजेस। एक्चुअली एसोका सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करता है जहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग का कारण ल्यूकोरिया भी हो सकता है, और कभी कभी यूटेराइन में फाइब्रॉइड्स होने की वजह से भी ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर रिलेटेड कोई डिसीज है तो वहां पर सरेका एसोका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करें विदानिया सोमनीफेरा की। विदानी सोमनीफेरा नोन कॉमनली एज अश्वगंधा, जिसे हम इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जानते हैं, इंक्रीज इम्यूनिटी। विदानी सोमनीफेरा, जिसको हम अश्वगंधा भी कहते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ ही स्टिमुलेट दी थायराइड ग्लैंड फंक्शन, और हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है जिनसिंग, और साथ ही इंक्रीज ब्लड प्रोडक्शन, और हमारी बॉडी में ब्लड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेस्मोल की। अगर हम डेस्मोल की बात कर रहे हैं तो डेस्मोल कंटेन 10 रूट्स, एग्जाम्पल बिरहेट, पंचमूला एक्सेट्रा। एक्चुअली 10 मूल जो है, एक्चुअली 10 रूट्स का एक कंटेंस है। इसमें 10 तरीके की रूट्स होती हैं डेस्मोल में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूजफुल इन डिसऑर्डर नर्व बोन जॉइंट एंड मसल्स। डेस्मोल का जो रोल है वो हमारे नर्व्स को मेंटेन करता है, बोन को, जॉइंट को और मसल्स को हेल्दी रखता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट साल्टिक की फेरो कॉल के, और उसका नाम है सिंप्लोकस रेसिमोस। सिंप्लोकस रेसिमोस, जो कि बॉटनिकल नेम है लोधरा का। लोधरा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब। लोधरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब है, इज मेनली यूज्ड इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एक्चुअली वुमेन्स में जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो उसको कम करने का काम ये सिंप्लोकोकस रेसिमोसिस करता है। ट्रीट यूटेराइन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया एक्सेसिव ब्लीडिंग को
ये कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम साल्ट की बात करेंगे, लेप्टा डेनिया रेटिकुलेट। एक्चुअली ये साल्ट लेप्टा डेनिया रेटिकुलेट इज नोन एज जीवंती, इसको हम जीवंती के नाम से भी जानते हैं, और संस्कृत में इसे मधुश्रवा और जीवनी भी कहा जाता है। इनुला रेसिमोस, माय डियर फ्रेंड, इसे हम लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए भी हम जानते हैं। ये मदर्स के मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी रखती है। हमारे बॉडी में अगर किसी तरीके से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसको खत्म करने का भी काम करता है इनुला रेसिमोस, मतलब एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इसके साथ ही इट आल्सो वर्क्स अगेंस्ट वेरियस नोन पैथोजन लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजींस एंड एसर्सिया कोलाई। अब ये रिसेंट स्टडीज में निकल कर आया है कि इनुला रेसिमोसिस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया को भी फिनिश करने का काम करता है। अगर हम साल्ट की बात करें तो नाम है इसका एस्परागस रेसिमोसस। माय डियर फ्रेंड, ये क्या होता है, द रूट इज यूज टू मेक मेडिसिन। एस्परागस रेसिमोसस की रूट्स को यहां पर यूज किया जाता है हर्ब के रूप में, जो फेरोकाल सिरप में है, और वोमेन यूज एस्परागस रेसिमोसस फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड यूटेराइन ब्लीडिंग एंड टू स्टार्ट ब्रीस्ट मिल्क प्रोडक्शन। एस्परागस रेसिमोसस का जो मेन यूज है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स को ओके करने के लिए होता है, साथ में अगर यूटेराइन ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसको फिनिश करता है, साथ ही ब्रीस्ट मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपसेट स्टोमक, कॉन्स्टिपेशन और स्टोमक स्पास, इसके साथ ही ये कब्ज को भी खत्म करता है, और अगर पेट में दर्द है तो उसको भी फिनिश करने का काम एस्परागस रेसिमोसस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीनिस्पोरा कार्डिफोलिया की। टीनिस्पोरा कार्डिफोलिया इज यूज फॉर डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जिक राइनाइटिस, अपसेट स्टोमक, गाउट, लिम्फोमा एंड अदर कैंसर्स, रिमेटाइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, पेप्टिक अल्सर डिसीज, फीवर, गोनोरिया, सिफिलिस एंड टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। एक्चुअली ये टीनिस्पोरा कार्डिफोलिया हर्ब है, अगर हम इसके बात करें इसके वर्क की तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेल्थ बेनिफिट इससे आते हैं। हम कह सकते हैं डायबिटीज में बहुत ही हेल्पफुल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, अगर एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसको कंट्रोल करता है, स्टोमक को ओके रखता है। इसके साथ ही बहुत ही हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने का काम टीनिस्पोरा कार्डिफोलिया करता है, जो फेरोकाल सिरप का एक इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट जो साल्ट है फेरोकाल प्लस में, उसका नाम है क्रोकस सेटाइवस। क्रोकस सेटाइवस इज द कॉमन नेम फॉर सैफ्रॉन। सैफ्रॉन के बॉटनिकल नेम को क्रोकस सेटाइवस कहते हैं। द कॉमन नेम यूज्ड इन इंडिया एज इज केसर, इसको हम भारत में केसर के नाम से भी जानते हैं क्रोकस सेटाइवस को। माय डियर फ्रेंड, क्रोकस सेटाइवस और केसर, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज होती है, ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है और डाइजेस्टिव होता है, अर्थात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ओके करने का ये काम करता है। क्रोकस सेटाइवस फेरोकाल का एक इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट अगर हम हर्ब की बात करें तो नेक्स्ट हर्ब है हमारी, ये हमारा भस्म है, प्योर मुक्ता सुक्ति भस्म है।
अगर इस भस्म के प्रॉपर्टीज की हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो ये हमारे कफ और पित्त को बैलेंस रखता है। आयुर्वेद में कफ और पित्त के कंट्रोल को बहुत ही महत्व दिया जाता है और ये बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है कफ एंड पित्त। तो हमारे फेरोकाल में प्योर मुक्ता सुक्ति भस्म है जो कफ और पित्त को बैलेंस करती है। इट रिलीव्स एब्डोमिनल कोलिक गैस्ट्राइटिस, यूजफुल इन ट्रीटिंग कार्डियक डिजीज, यूरिनरी कैलकुलाई एंड स्प्लेनोमेगैली। प्योर मुक्त सुक्ति भस्म का भी रोल बहुत ही ब्रॉड है। ये हमारे एब्डोमिनल कोलिक को ओके करता है, गैस्ट्राइटिस समस्या से हमें निजात दिलाता है, कार्डियक डिजीज के ट्रीटिंग में भी इसका यूज है। इसके साथ ही जो हमारे यूरिनरी सिस्टम में स्टोन्स वगैरह होते हैं उसको भी फिनिश करने का काम करता है। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि प्योर मुक्त सुक्ति भस्म हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करेंगे प्योर लौह भस्म की। ये प्योर लौह भस्म फेरोकाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और हम जानते हैं आयरन हमारे ब्लड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंप्रूव स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, स्किन टेक्सचर। ये जो लौह भस्म है हमारे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, स्किन टेक्सचर को निखारता है, स्किन टेक्सचर या कॉम्प्लेक्सन जिसको हम बोलते हैं निखार लाता है हमारी स्किन में, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव पावर एंड एक्ट एज नेचुरल एप्रोडिसियाक। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो प्योर लौह भस्म पड़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लड्स के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन टेक्सचर कॉम्प्लेक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करता है। तो माय डियर फ्रेंड, हमने यहाँ पर देखा कि फेरोकाल में जो भी हर्ब और भस्म है उसका मेन रोल क्या है। अगर हम कंबाइंड एक्शन की बात करें कि फेरोकाल में जो भी हर्ब पड़े हैं तो उसका कंबाइंड एक्शन, ये जब सारे हर्ब और ये भस्म जब मिलती हैं तो किस तरीके का कंबाइंड एक्शन फेरोकाल से निकल कर आता है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है फेरोकाल का लेने का, वो सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट है हेल्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, उसके हेल्थ को मेंटेन करता है, इसके साथ ही इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, अर्थात डिसीज से लड़ने की पावर को बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है। इसके साथ ही फेरोकाल का जो नेक्स्ट बेनिफिट्स है वो इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। जैसे कि हमने बताया कि फेरोकाल में लौह भस्म पड़ी हुई है और ये हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ा देती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है फेरोकाल का वो है मेंटेन इन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। ये थायराइड ग्लैंड्स के फंक्शन को भी मेंटेन करता है फेरोकाल। इसके साथ ही ये एनीमिया को गुड बाय बुलवाता है पेशेंट से, एनीमिया नहीं हो पाता, अर्थात हमें ब्लड की कमी नहीं हो पाती। इसके साथ ही फेरोकाल मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेन्स पे, उसको मेंटेन करता है। ओवरऑल ऑल हेल्थ, हम लास्टली कह सकते हैं कि फेरोकाल हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो यहां पर हमने देखा कि फेरोकाल यदि हम लेते हैं तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा। फेरोकाल सिरप, माय डियर फ्रेंड, यहां पर हम देखेंगे फेरोकाल प्लस को हाउ टू रिप्रेजेंट इन डॉक्टर्स चेंबर। डॉक्टर्स के चेंबर में फेरोकाल प्लस को किस तरीके से हम बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेरोकाल, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ फ्रॉम फार्मा इंडिया। सर, आवर फर्स्ट एंड ब्रांड नेम इज फेरोकाल, कंपोजिशन ऑफ 11 नेचुरल हर्ब विच हैव आयरन, कैल्शियम एज वेल एज वाइटल मिनरल्स। सर, फेरोकाल हैव ऑल द एसेंशियल वाइटल नेचुरल हर्ब
which are necessary for healthy reproductive system, improve immune system, increase hemoglobin level, maintain function of thyroid gland, and goodbye to anemia. Maintain menstruation cycle. Overall, all health. Sir, if you prescribe Ferrocal as in form of complete natural source of vitamins and minerals, it will give natural and marvelous result according your expectation, sir. Sir, kindly give only 2 prescription in a day, sir. Thanking you for giving your valuable time to me. Thank you very much, sir. Thank you. Proud to be an Indian. Thank you.